हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज ईश्वर पाटीदार विद अ न्यू चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स। यस, वी डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर्स। लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट फर्स्ट द डेफिनेशन। द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर लें तो जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं होल नंबर। एक छोटे से डायग्राम से इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए अपने पास एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है, 1, 2, 3, 10 up to infinite। ठीक है, तो इस सेट को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें देखिए जीरो नहीं, जीरो इंक्लूड नहीं। अब मैं इसके ऊपर एक छोटा एक सर्कल और बना लेता हूं और मैंने यहां डाल लिया जीरो। तो अब देखो इस सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। जीरो भी आ रहा है, वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है। इट मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स तो आ ही रहा है लेकिन उसके साथ में कौन आ रहा है, जीरो। इसका मतलब इसको हम कहेंगे होल नंबर। इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जब हम जीरो को इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर्स में तो वो है होल नंबर्स बन जाता है। तो इसके ऊपर दो रिजल्ट्स हम डिस्कस करते हैं। आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर? आर ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? यस, द आंसर इज यस। सारे नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए वो एक होल नंबर बिल्कुल होता है, होता ही होता है। सेकंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं, द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। आर ऑल होल नंबर्स आल्सो नेचुरल नंबर्स? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन ये क्या है, होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, तो इस डेफिनेशंस पे ये दो स्टेटमेंट्स आपके थे। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये नंबर लाइन बनी आपने। अब जीरो इज द नंबर विच इज डिवाइड द होल नंबर लाइन इन टू पार्ट्स। ओके, नाउ इट इज पॉजिटिव and it is negative signs, negative sign. That means it is 1, 2, 3, 4 up to infinite, positive infinite. और इस साइड में अगर बात करते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 and so on। और लास्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो एक तरह से माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो जीरो है, ये जीरो इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड आपकी पॉजिटिव नंबर्स की होगी और ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी नेगेटिव नंबर्स होगी। अब इसमें अगर अपन मूव की बात करते हैं, व्हेन वी मूव इन राइट डायरेक्शन द नंबर्स विल बी इंक्रीजेस। आप राइट डायरेक्शन कहीं से भी, जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया, सपोज यहां से हमने राइट चलना स्टार्ट किया, जैसे हम -3 पे आए, फिर 2 पे आए, -1 पे आए, ऐसे करते करते इस डायरेक्शन में जब भी मूव करेंगे तो नंबर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, और लेफ्ट डायरेक्शन में जब आप मूव करते हैं तो नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। जैसे -4 से -5 पे आए तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर्स जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो ये है आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर लाइन। नाउ यूजिंग नंबर लाइन हियर वी परफॉर्म 3 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एडिशन ऑन नंबर लाइन। अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 प्लस 4। ओके, 3 प्लस 4 को आपको एड करके बताना है ऑन नंबर लाइन। सो फर्स्ट ड्रॉ नंबर लाइन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 एंड लास्ट 8, ठीक है। तो इसके अंदर रूल्स क्या है वो आपको एक बार थोड़ा सा समझना है कि जिस पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, जब हम पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं तो हमको राइट डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, और जब नेगेटिव नंबर आता है तो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव देखिए, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो आपको क्या करना है, दोनों बार राइट डायरेक्शन में मूव करना है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, अब यहाँ से जीरो से हम स्टार्ट किया, सबसे पहले काउंट फर्स्ट थ्री यानी कि 1, 2 एंड 3, ये हमने फर्स्ट काउंट किया, पहला नंबर हो गया आपका राइट डायरेक्शन में। सेकेंड नंबर आपके पास 4 आ रहा है, अगेन काउंट 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गया आपके पास, तो ये है आपका आंसर नंबर 7, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम एडिशंस करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज 2 प्लस 3 प्लस, एक और ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, इसको ऐड करना है, नंबर लाइन पर ऐड करना है। तो वही कर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1 मोर 10, और इधर हम ले लेते हैं -1, -2, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन। अब तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से, काउंट फर्स्ट 2, 1, 2, फिर काउंट करना 3, 1, 2, ये फिर 3, फिर 4 काउंट करना है 1, 2, 3 एंड 4, और ये फिनिश हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया और इसका जो सम होगा वो होगा 9। तो इस तरह से नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, चेक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे मैं ये लिख रहा हूं 7 माइनस 5, ये मैंने लिखा जैसे, ठीक है, अब इसको परफॉर्म करना है नंबर लाइन पर। वैसे तो आपका आंसर होता है जैसे 2 होता है, अब वो 2 कैसे आ रहा है वो हम देखते हैं नंबर लाइन पर। सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और ले लेते हैं 8, ठीक है, और इधर हमने दो नंबर ले लिए -2, ये आपकी नंबर लाइन। अब जैसे आपने अभी जस्ट मैंने बताया कि पॉजिटिव नंबर के लिए आपको राइट डायरेक्शन में जाना है और नेगेटिव नंबर के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट डायरेक्शन में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 7, 7 एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहां से हमने स्टार्ट किया 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां हम पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो दे रखा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, और वैसे भी अगर इसके साइन की अगर बात करें तो इसका साइन क्या आ रहा है, एक तरह से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव हम क्या करते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में काउंट करते हैं, तो यहां हम पहुंच गए। अब यहां से आपको लेफ्ट डायरेक्शन में काउंट करना है, तो चाहे आप इसको नीचे से इस तरह से काउंट कर लें 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपका, तो कुल मिला के ये है आपका आंसर। तो सब्ट्रैक्शन आपको इस तरह से करना है, पॉजिटिव के लिए राइट डायरेक्शन और नेगेटिव उसके नेगेटिव नंबर्स के लिए लेफ्ट डायरेक्शन, इस तरह से। अच्छा, पॉजिटिव नंबर्स को आप ऊपर की तरफ कर लें और नेगेटिव नंबर को नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर रहता है। तो इस तरह से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो एक नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए हमने लिया 4 इंटू 3, ठीक है, आंसर होता है इसका 12, लेकिन ये आंसर 12 कैसे आ रहा है नंबर लाइन पर वो हम देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 एंड लास्ट 1 मोर 13, ठीक है, और इधर हमने -1, -2 दो लिया और ये आपका नंबर, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है।
ये जो फर्स्ट नंबर दे रखा है ये नंबर ऑफ जंप्स, नंबर ऑफ जंप्स को शो करता है। फर्स्ट नंबर जो है कितने जंप आपको करने, जैसे फोर दे रखा है तो फोर जंप आपको करने हैं, 1, 2, 3 and 4, फोर्थ जंप में आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये जो थ्री दे रखा है इसमें आपको देखना है नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका मतलब क्या हुआ, जंप कब करना है, सबसे पहले हमको जीरो से स्टार्ट करना है, तो यहां जितने नंबर से उतनी स्टेप काउंट करनी, जैसे 1, 2, 3 और फिर जंप करना है ना, थ्री मतलब थ्री पर आते जंप इस तरह से। देखो कैसे होता है कि जैसे हमने क्या किया कि यहां पर हम दे रहे, यहां दे रखा है जीरो से स्टार्ट करते हैं, पहला तो आपके फोर्थ जंप करने हैं और थ्री स्टेप काउंट करके जंप करना है, यानी कि यहां से स्टार्ट किया 1, 2, 3, तो ये पहला जंप हो गया आपका फर्स्ट जंप, फिर नेक्स्ट 1, 2, 3 ये दूसरा जंप, 1, 2, 3 ये आपका तीसरा, 1, 2, 3 और ये हो गया आपका फोर्थ जंप। ये इस तरह से आपको काउंट करना है, ठीक है। फर्स्ट तो आपको क्या करना है, स्टेप्स काउंट करना है, स्टेप कम काउंट करके उसको फिर जंप करेंगे, स्टेप काउंट करके फिर जंप, ऐसे करते करते आपको लास्ट में हम जहां पहुंचते हैं ये है आपका आंसर। तो इस तरह से ये है आपका फर्स्ट टॉपिक, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।